जी हाँ दोस्तों, अब अपने शहर मुजफ्फरपुर में खुल चुका है एक नया पार्क जिसका नाम है इंदिरा पार्क। वेलकम बैक टू अवर चैनल, मेरा नाम है वांडर ज्ञान और आज आपको आ गए हैं एक नई वीडियो के लेके एक और पार्क का मैं एक्सप्लोर करने। मेरे पीछे देख सकते हैं इंदिरा पार्क, ये हाल ही में एक दो दिन पहले ओपनिंग हुआ है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, हर एक चीज़ डिटेल में बताएंगे, इसका लोकेशन क्या है, टिकट प्राइस क्या है, अंदर में क्या क्या खास चीज़ें हैं, बाकी पार्क की तुलना में ये पार्क कैसा है, वो सारी चीज़ हम जानेंगे, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अंदर। फाइन दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं काउंटर पे, गेट के जस्ट सामने ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। तो पहले पता करते हैं कि टिकट प्राइस कितना है। टिकट प्राइस कितना भैया? 10 रुपया। तो देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ 10 रुपये में आप पार्क का एंजॉय कर सकते हैं, झूला होगा, बहुत सारी चीजें होगा। तो टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर। तो फाइन दोस्तों, जैसे ही आप एंट्री करने जाएंगे तो उससे पहले ही आपको एक सेल्फी पॉइंट मिल जाएगा आई लव मुजफ्फरपुर पे, सतरंगी कलर में यहाँ पे कलर किया गया है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। आप यहाँ पे ऐसे खड़ा होके बहुत सारे यहाँ पे फोटो ले सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं और अंदर की चीजें भी देखते हैं कि अंदर क्या है, बाहर से इतनी खूबसूरत वाइब्स आ रही है यहाँ पे। दोस्तों अभी आ चुके हैं पार्क के अंदर, जैसे आप एंट्री करेंगे बहुत सारे सीटिंग अरेंजमेंट खूबसूरत खूबसूरत बैठने का है, लेकिन सबसे पहले अट्रैक्टिव चीज आपको लगेगा बीच में एक बहुत बड़ा फाउंटेन जिसमें पानी चल रहा है। और इसमें सबसे खासियत चीज क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, इसमें म्यूजिक के साथ बीट पे इस पे चलता है फाउंटेन और लाइटिंग है इसमें इतनी खूबसूरत लग रहा है। जब आप यहाँ पे बैठेंगे, झरने की जो साउंड होती है और म्यूजिक, पानी की चहचहाट जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम खूबसूरत है। और चारों तरफ से आप बैठ के यहाँ पे सेल्फी ले सकते हैं, बहुत सारे फोटो खींच सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। इस पार्क में इतनी खूबसूरत रंग बिरंगी कलरें हैं, वो सारी चीजें दिखाते हैं, चलते हैं अंदर। चारों तरफ से जो वॉकिंग वाला बनाया गया है टाइल्स का, वो बहुत ही प्यारा है, आप इस पे वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और दीवार पे बहुत अच्छा कलाकृति किया हुआ है, चारों तरफ से पेड़ लगे हुए हैं, बड़े पेड़ छोटे पेड़। आइए और अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। बहुत सारी खूबसूरत लाइटिंग भी लगी हुई है, ये देखिए जो भी पिलर है, पेड़ है, उसमें बहुत सारे लाइटिंग लगे हुए हैं। तो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इस पार्क को एकदम अच्छे तरीके से। तो फाइन दोस्तों, अभी हम लोग हैं इंदिरा पार्क के सबसे सेंटर में और इस पार्क की मैं सबसे खास चीज बताऊं तो इस पार्क में बहुत ज्यादा हरियाली है, मतलब कि जो नेचर लवर है, चारों तरफ पेड़ है। ये पार्क बहुत दिन से खुलने वाला था पर खुल नहीं रहा था, आज ये फाइनली ये पार्क खुल चुका है और मैं अभी बीच में सेंटर हूँ मैं हूँ। और जैसा कि इस पार्क का नाम है इंदिरा पार्क, तो आप बीच में देख सकते हैं कि जो हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका यहाँ पे एक स्टैचू लगा हुआ है व्हाइट कलर में, चारों तरफ से टाइल्स है। अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो आप यहाँ पे खेल सकते हैं और चारों तरफ से फाउंटेन लगा हुआ है, मतलब इतना खूबसूरत है कि रात में जब फाउंटेन चलेगा या फिर शाम में चलेगा, अभी ये बंद है, तो जब इस पर लाइटिंग चलेगी साथ में म्यूजिक वाला ये सारे फाउंटेन है, तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है, बहुत खूबसूरत। चलिए और भी चीजें दिखाते हैं कि और क्या क्या है। फाइन दोस्तों, घूमते घूमते आइए थोड़ा बैठ के बातें भी कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा बैठने के लिए है, मतलब यहाँ का जो सीटिंग अरेंजमेंट है मुझे बहुत पसंद है, बहुत पर्सनली, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है और बहुत प्यारा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये नया पार्क है, अभी तक YouTube पे किसी ने वीडियो नहीं डाला है, मैं पहला हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ, तो ये एक डिमांड रहेगा छोटा सा कि अगर 3000 व्यू इस वीडियो पे आता है तो मैं आप लोग के लिए इस पार्क में कुछ कुछ रखूंगा, मिलने का प्रोग्राम या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है, या फिर ऐसे ही एक्सप्लोर करता रहूंगा प्यारा प्यारा चीज मुजफ्फरपुर में। आपको ये पार्क कैसा लगा है वो आप मुझे बताइएगा कॉमेंट में। तो अभी हमें पार्क के सबसे आखिरी वाले हिस्से में और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पहाड़ वाला फाउंटेन है, अभी तो इस पे पानी बंद है लेकिन ये वाला फाउंटेन बहुत ही खूबसूरत है। और आइए इधर आपको दिखाते हैं, ये सबसे लास्ट बाउंड्री है इस पार्क का, इस पे बहुत अच्छे अच्छे चीज लिखे हुए हैं जैसे पीस, लव, स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर, साथ में आगे इंदिरा पार्क लिखा हुआ है। तो कलर जो है ना, मतलब सतरंगी कलर है, जो रेनबो कलर होता है उस कलर का यूज किया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। और ये सारी चीजें का आप देखिए आप। दोस्तों 10 रुपये टिकट है, पार्क थोड़ा सा छोटा है और पार्क के तुलना में, और देख सकते हैं दीवार पे लेकिन बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं। आप इस पार्क में एक चीज कर सकते हैं कि 10 रुपये का टिकट लगाकर बहुत सारा फोटो निकाल सकते हैं, क्योंकि फोटो स्पॉट यहाँ पे बहुत सारा है, चाहे वो प्रिंटेड हो, चाहे कोई भी ग्रीनरी पार्ट हो, झरना हो, बहुत सारी चीजें हैं। आइए आपको नीचे का पेड़ पौधा दिखाते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पौधे के साथ साथ छोटे छोटे पेड़ पौधे भी बहुत प्यारे प्यारे लगे हुए हैं, जिसमें छोटे छोटे फूल है जो आपको अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को, लड़कों को फूल वगैरह प्यारा रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑरेंज कलर का, रेड
व्हाइट कलर का, बहुत ही प्यारा प्यारा फूल है। तो ये सारी चीजें इस पार्क में है जो इस पार्क को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है। आप लोग एक्साइटेड होंगे कि इसका लोकेशन क्या है, तो लोकेशन मैं आपको बता दूं, जंक्शन से सिर्फ 1 किलोमीटर पड़ेगा आसपास। तो जैसे ही जंक्शन से आगे बढ़िएगा तो आपको सदर हॉस्पिटल मिलेगा, उसके आगे आइएगा तो नगर निगम ऑफिस मिलता है, वहां पे सिटी पार्क का तो लोकेशन आप लोगों को पता होगा, उसके जस्ट सामने इंदिरा पार्क है। दोस्तों अभी मैं आपको पूरे पार्क का हर एक चीज डिटेल में बताएं कि लोकेशन क्या है, प्राइस क्या है, टिकट प्राइस क्या है, और साथ में क्या क्या अंदर का इंटीरियर है, कैसा कैसा फोटो आप ले सकते हैं यहाँ पे, सेल्फी पॉइंट कैसा है, झरना है कि नहीं है, और सारी चीज आपको बारीकी में बताएं। ये YouTube का पहला वीडियो होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर का कोई भी अपडेट होता है सबसे पहले वंडरलैंड YouTube चैनल पे आता है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो और अपडेट पाने के लिए आप इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जितना ज्यादा प्यार मिलेगा मुझे वीडियो पे उतना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।